कैसे आप लोग? खैरियत से उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यार आज दिल कर रहा था हमारा गोलगप्पे खाने का, तो मैंने अपने घर वालों को लिया और मैं निकल गया गोलगप्पे खाने के लिए। तो मैं आपको बता दूँ आज एक रात की बात, हमें जब भी गोलगप्पे खाने का दिल करता है ना तो हम आ जाते हैं यहाँ कराची के इलाके वाटरफ्रंट के अंदर। यहाँ पे हमारे काफ़ी अर्से से हम यहाँ पे गोलगप्पे खा रहे हैं, उनके गोलगप्पे बहुत बेहतरीन बहुत ज़बरदस्त होते हैं और आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस पर बहुत सालों से लगा रहे हैं। पहले इनके वालिद साहब होते थे, अभी ये भाई खुद होते हैं, इनका नाम जुबैर है, तो बहुत सालों से लगा रहे हैं। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो हमारी यूनिवर्सिटी में स्प्रिंग फेस्टिवल लगता था, तो वहाँ पे मैंने इनसे गोलगप्पे खरीद के वहाँ पे स्टॉल लगाए थे, उनके गोलगप्पे वहाँ पे बेचे थे, बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स आया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ उनके गोलगप्पे का स्टॉल। वो जो आप देख रहे हैं वो मेन वाटर पम्प सुरंगी है, यहाँ से सीधा जाते हैं तो ये आशा मंजिल आता है और यहाँ से अगर आप आ रहे हैं तो ये सोराबगोश का रोड है। अगर आप नाजमाबाद से आ रहे हैं तो आप वहाँ से आएंगे। ये अनार गली के मशहूर गोलगप्पे हैं, ये मेरे ख्याल से अनार गली की मार्केट चलाती है और ये यहाँ पे काफ़ी सालों से लगा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले इनके वालिद साहब होते थे और ये लगा रहे हैं, तो इनके गोलगप्पे आप बहुत बेहतरीन होते हैं। मेरा ये सोचना है कि गोलगप्पे के अंदर जो मेन चीज़ होती है ना वो उसका खट्टा पानी होता है। वैसे तो गोलगप्पे खुद ही खस्ता होने चाहिए लेकिन जो पानी होता है ना वो उसको सबसे खास बनाता है, सबसे अलग करता है। और इनका जो पानी है ना बेहतरीन का पानी है कि हमारे एक प्याले में तो ब्रेड बनता नहीं है, तीन चार प्याले हम सबका पिए ना तो हम यहाँ से जाते नहीं हैं। गोलगप्पे जैसी चीज़ हो गई या चाट हो गई ना, मुझे खाने का काफ़ी शौक़ है। मैं जगह जगह की डिफरेंट जगह की ट्राई करता रहता हूँ। मैंने गोलगप्पे बहादुराबाद के भी खाए हैं, दौराजे के भी खाए हैं, आयशा मंदिर बहुत जगहों के मैंने ट्राई किए, लेकिन मुझे आज तक इनसे ज़्यादा किसी की भी पसंद नहीं आया। तो मैं जब भी हमें और गोलगप्पे का खाने का दिल होता है तो हम यहीं पर आते हैं लाजमी तौर पर। बाकी जगहों पर कई जगहों पर ओवर प्राइस होते हैं, बिला वजह की हाइप होती है, लेकिन वो टेस्ट नहीं होता, वो मज़ा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर बेहतरीन टेस्ट। गोलगप्पे के अंदर मैं मीठी चटनी नहीं डलवाता, चाहे गोलगप्पे हो चाहे चाट हो, मैं कभी मीठी चटनी नहीं डलवाता, मुझे मसालेदार चीज़ें पसंद है ज़्यादातर। तो ये इन्होंने दिया है, ये जो है ये रायता है, ये इनका पानी है और ये इनके गोलगप्पे हैं। वैसे तो ये मीठी चटनी भी डालते हैं लेकिन मैं नहीं डलवाता, अगर आप अगर डलवाना चाहें तो आप डलवा सकते हैं, तो मैं अब आपको बताऊँगा खाने। तो भाई ये आप देख सकते हैं इसका खस्तापन, आप देख सकते हैं कि कितने खस्ता है ये। बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह। जब तक ये पानी पिए ना गोलगप्पे अच्छा जगह है। लोग गोलगप्पे के अंदर पता नहीं दुनिया जहाँ की चीज़ें डाल देते हैं, कोई प्याज डाल दिया पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं, लेकिन जो चीज़ जितनी ज़्यादा सिंपल होती है ना वो उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो भाई इनकी जो प्लेट है 12 गोलगप्पे की वो है सिर्फ 100 रुपये की, और मैंने इनसे पूछा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था कि कितने सालों से यहाँ पे लगा रहे हैं, तो उन्होंने बताया ये 35 साल से इनके वालिद साहब यहाँ पे लगा रहे हैं। अब वालिद साहब यहाँ पे नहीं आते, नहीं लगाते, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं 35 साल से मतलब, और बहुत बेहतरीन है, मतलब वाकई में तारीफ फैलाएगी, तो आप भी ज़रूर आएँ और ज़रूर इनको ट्राई करें, बहुत बेहतरीन है। अभी फैमिली के हाउस में अभी कम्प्लीट नहीं हुई है, अभी हमने खाएँ कुछ तीखा, तो तीखे के बाद कुछ मीठा तो बनता है, डेरी मिल्क की बात नहीं कर रहे लेकिन अब खाने जाएंगे कुछ मीठा। मेरे लिए कराची के सबसे बेहतरीन गोलगप्पे हैं, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद भी आके ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी कराची की सबसे बेहतरीन आइसक्रीम,
तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और मोहब्बत से रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।